بسم الله الرحمن الرحيم कोई भूले से बेचारा मस्जिद में चला जाए, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो मस्जिद से भी हया नहीं करते कि वहां से भी कुछ चीज चुराने में। चोर तो चोर ही है जहां भी होगा। तो जब किसी की जूती कोई उठा लेता है, और अल्लाह जाने कौन उठाता है, तो रवैया क्या है माशरे का? लोग कहते हैं बस मस्जिदों में तो चोर ही रहते हैं। ये नहीं कहना चाहिए। हो सकता है चोर बाहर से आया हो, ये कमजोरी तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन वहां ये कह देना कि शायद ये चोरी सिखाते हैं, कभी ये भी कह दिया करें अगर एक शख्स चोर यहां आ गया है तो यहां कुछ 600 लोग बाकी भी नमाज पढ़ने वाले, वो ईमानदार और साले भी तो आए हैं। तुम्हारी 500 रुपए की जूती अगर कोई उठा ले तो पूरी की पूरी मस्जिद, उसके इंतजामिया और उसके मुतअल्लिकीन को आप चोर बनाना पसंद करते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते ये मस्जिद जिन्होंने बनाई है उनकी कोई नेकी नहीं है? आप ये भी कह सकते हैं जो हर साल 10-10 लाख का कारपेट जो है बिछा देते हैं, उनके नजदीक आपकी 500 रुपए की जूती की क्या कीमत है? नेगेटिव थिंकिंग को आप अप्रोच जिस तरह करते हैं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग को माशरे में लाना चाहिए। आप ये क्यों कहते हैं कि आधा गिलास और ये इतना गिलास खाली है, ये भी तो कह देना चाहिए कि वैसे गिलास भरा हुआ है, थोड़ा सा कम है। हकीकत पर मबनी, इंसाफ पर मबनी गुफ्तगू करना अपनी आदत बनाइए। और मैं तो कहना चाहूंगा कैसे कमाल के वो लोग थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने सुना होगा कि जब वो मस्जिद में आए तो किसी ने उनकी जूती उठा ली। अब जहां उनकी जूती पड़ी थी वो वहां गए और उन्होंने हाथ उठा लिए। लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, तो बद्दुआ करेंगे तो उसका तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल देखिए, ये वो दिल है जो आज माशरे में पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने क्या दुआ की, बद्दुआ क्या की, अल्लाहुम्मा इनका हाज़ा मुहताजल्लाह फबारिक लहू फी। अल्लाह अगर इस बेचारे के पास जूती नहीं थी, मोहताज था, इसको सिर्फ मेरी ही नजर आई है, तो या अल्लाह मेरी दुआ है कि इसको बरकत दे दे। जैसे आजकल आम लोग कहते ना, अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करो हंडाने की तौफीक दे दे। वो इनका न गैर मोहताज, और अगर ये मोहताज नहीं था बल्कि चोरी इसकी आदत थी, तो इलाह आलमीन मेरी तो जूती चोरी हो गई लेकिन मेरी एक दुआ कबूल फरमा ले। फजअल्लहु आखिर ज़म्मिन यर्तकिबू, ये इसकी जिंदगी की आखिरी चोरी हो, आइंदा इसे चोरी से महफूज फरमा दे। ये वो दिल है जो अल्लाह को पसंद है। कि आपका अगर नुकसान हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी कौम को जो है वो ये बताएं कि पूरी कौम ही गलत है? नहीं। वो बाज किसस में बहुत बड़ा सबक भी होता है, कुछ किस्से हकीकत वाले होते हैं, कुछ बनाए होते हैं। वो लिखने वाला लिखता है कि जुहा ये एक बेचारा बहुत ही ऐसा इंसान था, बखील था। तो वो सिर्फ उसको जब लोग कहते हैं नमाज पढ़ने जाओ तो कहता है मुझे जूता खरीदना पड़ेगा, कि वहां तो अदब अदाब का ख्याल रखते हैं। लोगों के कहने खिलाने भी उसने वो जूता खरीदा, मस्जिद में गया, पहले दिन ही नमाज पढ़ने गया और किसी ने जूता उठा लिया। जिस मुसीबत से वो डर रहा था वही सामने आ गई। अब उसने दाएं बाएं देखा और आराम से वापस चला। बेटे ने कहा देखा मैं आपको पहले कहता था ये पैसे तो आप बचा लेते हैं। खैर एक दिन आया, बाप ने कहा चलो मैं तो अपना तजुर्बा कर चुका हूं, एक तजुर्बा आप भी कर लो, आप जाओ मस्जिद में। बेटा जब उसको थोड़ी सी रगबत दिलाई गई तो बेटे ने मस्जिद का रुख किया, नमाज से फारिग हुआ, उसका भी जूता उठा लिया। अब उस सबको बड़ा गुस्सा आया, उसने आवाज दी अय्युहन्नास, ओ लोगो रुद्दू इलैया हिज़ाई, मेरा जूता वापस कर दो, वइल्ला अफ़अल कमा फ़अल अबी,
अगर ना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया। लोग बहुत परेशान हुए, न जाने इसके अब्बा हुजूर ने क्या कर दिया। सब खामोश थे, एक ने जुर्रत की, मल्लदी फअल अबूक, आपके बाप ने क्या किया। कहते रजा हाफियन, पांव नंगा वापस चला गया। बस ऐसा हो जाता है, लेकिन दिल बनाइए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि जिन्होंने दुआ दी है, या अल्लाह अगर ले गया तो इसको बरकत दे दे, मेरे मालिक अगर इसकी चोरी की आदत है तो चलो इसकी चोरी आखिरी चोरी बना दे, आइंदा इसकी चोरी की हिम्मत ना देना इसे। तो अल्लाह हुज़ूर जलाल हम सबको इस्लाम की वो निखरी शक्ल नसीब फरमाए जिससे इस्लाम भी बुलंद होता है और अहले इस्लाम भी बुलंद होते हैं।